सुप्रभात बच्चों कक्षा में आप सभी का स्वागत है आज का सुविचार संसार में मीठी बोली आपको कुछ अनुभव नहीं दे सकती है जबकि संसार की कड़वी बोली आपको बहुत कुछ सिखा सकती है हम सबसे अच्छा बर्ताव करते हैं अच्छा बोलते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि किसी के साथ भी हमारे संबंध खराब ना हो और मीठा बोलने से किसी का क्या जाता है अगर दो बोल किसी से मीठे हम बोलते हैं लेकिन यह आपकी जो मीठी बोली है यह आपको कुछ अनुभव दे नहीं सकती क्योंकि लोग तो ऐसे होते हैं कि आपके बोलने से खुश हो जाते हैं और मुंह पर आपकी तारीफ करते हैं पर ऐसे ही वक्त अगर एक हाथ कड़वा बोल आपको कोई बोल दे और उसकी वजह से आप मन ही मन सोचकर अगर ये विचार करते हैं कि नहीं जो मैंने ये किया था मुझे अब नहीं करना है मुझे खुद को बदलना है बोलने के लिए तब हमें वो बोल कड़वे लगते हैं लेकिन वो हमें सुधर देते हैं हमें सुधार लाते हैं इसीलिए वो कड़वे बोल हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों अब हमारे पाठ्य पुस्तक का सबसे आखरी सबसे आखिरी जो कविता है आठवीं कविता हम चलते सीनातान के डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित ये कविता है हम चलते सीनातान के इसका अर्थ आप जानते हो शीर्षक का अर्थ कि हम गर्व से चलते हैं जब भी हम चलते हैं तो हम गर्व से चलते हैं अब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म और उनका परिचय हम सर्वप्रथम देखते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म सत्तावी सत्ताईस नवंबर 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं मधुशाला मधुकलश निशा निमंत्रण क्या भूलू क्या याद करूं, दस द्वार से सोपान तक नीड का निर्माण फिर आदि आपका परिचय बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है और प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता बंधुता श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है बच्चों हरिवंश राय बच्चन एक ऐसे कवि है जिनका नाम सुनकर ही उनकी पंक्तियां अपने मुंह पर आ जाती है मधुशाला जो कि उनकी बहुत ही फेमस रचना है बहुत ही प्रसिद्ध बहुत मशहूर रचना है उनके बेटे प्रसिद्ध महानायक सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के ये पिता है हरिवंश राय बच्चन इन्हें हरिवंश राय बच्चन के पुत्र है अमिताभ बच्चन जब भी कभी उनको मौका दिया जाता है वो मंच पर आते हैं तो उनके मुंह से मधुशाला की जो पंक्तियां हैं वो निकल आती है और सचमुच में हरिवंश राय बच्चन की इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं हैं अगर कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना अब इनका नाम हरिवंशराय श्रीवास्तव उर्फ बच्चन था बच्चन ये नाम उनको बाद में लगा एक्चुअल में उनका सरनेम श्रीवास्तव था तो बच्चों ये था उनका परिचय अब चलते हैं हमारे कविता की तरफ खोजबीन हमारे कविता में सर्वप्रथम दिया है खोजबीन जहाँ की भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं के नाम बताओ और उनसे संबंधित अधिक जानकारी पढ़ो पुस्तकालय से आप पुस्तक में पढ़कर भी ये बोल सकते लिख सकते हो या बता सकते हो या फिर इंटरनेट से भी जो भी भाषाएं हैं उनके नाम बताने हैं और उनके संबंधित जानकारी आपको देनी है तो ये जो हमारी आज की कविता है हम चलते सिन्हा तान के इसमें हरिवंश राय बच्चन ने हमें ये बताया है कि चाहे हमारा धर्म कोई भी हो जाति कोई भी हो वर्ण अलग हो भाषा भिन्न हो लेकिन हम सब हिंदुस्तान के बेटे हैं भारत माता के हम वीर सपूत हैं जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की रक्षा में हमारे भारतीय सैनिकों जवानों का बहुत बड़ा महत्व है हमारी स्थल सेना सेना या फिर समुद्रों की रक्षा करने वाली सेना हो या तटरक्षक हो तटरक्षक दल हो नेवी हो ये सब हमारे देश की रक्षा करते हैं साथ साथ हमारे देश के जो किसान हैं वो मेहनत कर अनाज उगाते हैं इस कविता के हमारा जो दूसरा पेज है उस पर चित्र दिखाया है किसान का खेती करते वक्त तो जितना महत्व सैनिक को है उतना ही एक किसान को है क्योंकि अगर वो अनाज नहीं उगाता है तो हम खा नहीं है सकते हैं और सैनिक अगर देश की रक्षा नहीं करता है तो हम जी नहीं है सकते हैं और जीने के लिए खाना जरूरी है इसीलिए कहा जाता है कि भोजन के पहले सैनिक और किसान दोनों को जरूर याद करना चाहिए क्योंकि ये देश का और देश की जनता का पालन पोषण करते हैं तो ये सीना तान के चलते हैं ये दुश्मनों का डटकर सामना करते हैं दुश्मन इनको देखकर डर से कांपते हैं इसलिए हमारे देश की रक्षा हो पाती है और इस भारत माँ के लिए इस मातृभूमि के लिए न जाने कितने वीरों ने अपने प्राण प्राणों का बलिदान दिया है हमारे देश पर बहुत सारे आक्रमण हुए हैं मुगलों ने आक्रमण किया है बहुत सारे विदेशियों ने आक्रमण किया है अंग्रेजों ने आक्रमण किया है लेकिन हमारे देश के वीर सपूत जो है उन्होंने इनका डटकर सामना किया अपने प्राणों की परवाह न करते हुए हमेशा उनको भगाने का प्रयास किया है तथा इस कार्य में उन्होंने अपनी जान भी दी है हमें पंद्रह अगस्त उन्नीस में आजादी मिली उसके बाद भी हमारे देश के वीर सैनिकों ने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है हमने देखा है कि हमारी चीन के साथ लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई पर हमने हर बार दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया है और इस देश की सीमाओं को बचाया है उनकी रक्षा की है तो ऐसे वीर जवानों को हमारा शत शत नमन तो ऐसे जय जवान जय किसान को समर्पित यह कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हम चलते सीना तान के